नमस्कार फ्रेंड्स, डीडीएस ग्रुप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी टाइपिंग के कृतिदेव 010 फॉन्ट। आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आ बनाना है तो क्या प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, वी। जैसे ही अगर हम लोग वी को प्रेस करते हैं तो हमारा आ बन जाता है। कभी कभी होता क्या है, जब हम लोग सबसे पहले आ लिखते हैं तो आ वी को जैसे प्रेस करते वो ट बन जाता है। तो आप एक बार इसको इरेज कर लेंगे, ये फॉन्ट के स्टाइल की वजह से होता है। तो आप उसको इरेज करके वी को फिर से कीबोर्ड से प्रेस करते तो वहाँ पे आ होता है। अब आपको बड़ा आ सीखना है, तो बड़ा कैसे बनेगा, वी प्लस के। वी से आ हमने बताया ऊपर, आपको वी से आ बनता है और के से आ की मात्रा आती है। तो वी प्लस के अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे बड़ा आ बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ई। छोटी ई कैसे बनेगी, कीबोर्ड से अगर हम बी को प्रेस करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, छोटी ई। अब हमको बड़ी ई लिखना है। बड़ी ई लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बी को प्रेस करेंगे जिससे ई बनता है। फिर आपको साथ में प्रेस करना है शिफ्ट प्लस जेड। शिफ्ट प्लस जेड से क्या होगा, ऊपर ऐसे र बनता है जिससे हम लोग बड़ी ई बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऊ, छोटा ऊ। छोटा ऊ कैसे बनेगा, एम। यदि आप कीबोर्ड से एम को प्रेस करते हैं छोटा ऊ बनता है। बड़ा ऊ बनाने के लिए आपको एक कोड को टाइप करना पड़ेगा। आपको इसको अल्ट के साथ, अल्ट को आप प्रेस करे रहेंगे, उसके बाद आप 0197 को प्रेस करेंगे। 0197 को नेम लॉक कीबोर्ड जो होता है उससे प्रेस करेंगे, तभी आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है आपका री। री से ऋषि किससे बनेगा, शिफ्ट प्लस माइनस। जैसे आप शिफ्ट प्लस माइनस को प्रेस करते हैं आपका री बन जाएगा। नेक्स्ट आता है छोटा ए। ए को कैसे बनाएंगे, शिफ्ट प्लस लेस देन। जैसे आप शिफ्ट के साथ लेस देन को प्रेस करेंगे तो आपका ए बन जाएगा। और बड़ा ए किससे बनाना है, शिफ्ट प्लस लेस देन ए बनेगा। और यस से क्या आता है, ए की मात्रा आती है। नेक्स्ट आता है ओ। ओ किससे बनेगा, वी से आपका क्या बनता है, आ। के से आ की मात्रा आती है और यस से आपका ए का मात्रा लगता है। इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, जोड़ के ओ। अब बड़ा ओ बनाना है। बड़ा ओ कैसे बनाना है, वी प्लस के। वी के बनाकर फिर शिफ्ट के साथ एस को प्रेस करना है, इससे हो जाएगा आपका अ। फिर आपको अंग, अंग बनाना है तो वी, वी प्लस ए। ए करने से क्या होगा, आपके अ के ऊपर बिंदी आ जाएगी। फिर आपको अन आहा लिखना है तो वी प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। जैसे आप प्रेस करेंगे आहा आपका यहाँ पे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आता है क। क किससे बनेगा, कीबोर्ड से डी प्रेस करने पे क बनता है। अब हमको बनाना है ख, तो शिफ्ट प्लस ओपन कर्ली ब्रेसेस प्लस के। शिफ्ट प्लस ओपन कर्ली ब्रेसेस जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका आधा ख बनेगा और के से हम उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग। ग एक्स जैसे ही प्रेस करेंगे ग बनेगा। फिर आपको घ बनाना है तो शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्रेस करना है, आधा घ बनेगा। और जैसे आप के को प्रेस करेंगे ये पूरा हो जाएगा। अब आपको बनाना ग घ अंगा। कैसे करना, पहले एम बनाएंगे। एम से क्या होता है, ड बनता है। अब नीचे या उसके बगल में साइड में अगर आपको बिंदी लगानी है तो शिफ्ट प्लस प्लस या तो प्रेस करिए या तो शिफ्ट प्लस माइनस। नेक्स्ट आपको बनाना है च। च किससे बनेगा, पी से। छ किससे बनेगा, एन से। ज किससे बनेगा, टी से। अब आता है झ। झ कैसे बनाएंगे आप, शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। यदि आप शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दबाते हैं तो आपका झ बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग का कीबोर्ड से कैप्स लॉक बटन ऑन होता है, जिससे भी आप कुछ भी लिखते हैं तो वो आपका आधा लिखा जाता है। कैप्स लॉक फ्रेंड्स शिफ्ट का काम करता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो आप उसको बंद कर लेंगे। यदि झ आपका शिफ्ट के साथ ना बने तो आप विथाउट शिफ्ट ग्रेटर देन को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ज। झ इया अल्ट प्लस 0180 से, ये भी आपको कोडिंग करना है जैसे मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट आइए ट, शिफ्ट प्लस वी। अभी हमने बताया वी से क्या बनता है, अ बनता है। तो अगर हमको ट बनाना है तो हम शिफ्ट प्लस वी का यूज करेंगे। ठ आता है, देखिए बी, बी जो होता है उससे ई बनता है, तो इसलिए हमको अगर ठ बनाना है तो हम लोग शिफ्ट प्लस बी का यूज करेंगे। फिर ड करना है तो एम, और ढा करना है तो शिफ्ट प्लस लेस देन।
और अगर आपको अड़ा बनाना है तो शिफ्ट प्लस डॉट, यहाँ पे देखिए हमने एक छोटा सा डॉट लगाया, शिफ्ट प्लस डॉट प्लस के। फिर आपको अगर त बनाना है तो आर का यूज करेंगे, थ बनाना है तो शिफ्ट प्लस एफ का यूज करेंगे, उसके बाद आपको के प्रेस करना है क्योंकि शिफ्ट प्लस एफ से आधा थ बनेगा और के करके हम उसको पूरा कर लेंगे। फिर आपका आता है द, द किससे बनेगा, एन से। फिर आता है धा, शिफ्ट प्लस स्लैश अगर आप प्रेस करते हो तो आधा धा बनता है और इसको के से हम पूरा कर लेते हैं। फिर ना बनाने के लिए यू प्रेस करते हैं, पा बनाने के लिए आई प्रेस करते हैं और फा बनाने के लिए शिफ्ट प्लस क्यू का यूज करते हैं। फिर आपको ब बनाना है तो सी प्रेस करिए, भ बनाना है तो शिफ्ट प्लस एच करिए, शिफ्ट प्लस एच से आधा भ बनता है और जैसे हम लोग के प्रेस करेंगे वो पूरा हो जाएगा। फिर ई से आपका म आता है, या बनाने के लिए शिफ्ट प्लस कॉलन का यूज करेंगे। फिर र बनाने के लिए जे, ला बनाने के लिए वाई और वा बनाने के लिए ओ। फिर अगर आपको स बनाना है बड़ा सा तो शिफ्ट प्लस कॉलन का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं और जो बड़े सा के लिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। तो आप इसको शिफ्ट के साथ या विथाउट शिफ्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बड़ा सा, शिफ्ट प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस के, इसमें क्या होगा आधा बनेगा, यहाँ भी आप प्लस के का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है छोटा सा, ये किससे बनेगा, एल से बनेगा। फिर आता है आपका ह, ह किससे बनेगा, जी से बनेगा। अब आपको बनाना है छ, छ छत्री, शिफ्ट प्लस, अभी हमने आपको बताया था ओपन करली ब्रैकेट्स, तो ये ओपन करली ब्रैकेट्स है, शिफ्ट के साथ आप इसको प्रेस करेंगे ये पूरा बन जाएगा। अब आपको त्र बनाना है तो शिफ्ट प्लस इक्वल टू, जैसे आप शिफ्ट के साथ इक्वल टू को प्रेस करेंगे आपका त्र बन जाएगा, या बनाने के लिए शिफ्ट प्लस के का यूज करते हैं। अब हम सीख लेते हैं मात्रा, हमने सारे वर्ड को व्यंजन को स्वर को सीख लिया, अब हम मात्रा सीखेंगे। देखिए अगर आपको आ का मात्रा लगाना है तो आप क्या करेंगे, के को प्रेस करेंगे। अगर आपको छोटी की मात्रा लगाना है तो एफ को प्रेस करेंगे। अगर आपको बड़ी का मात्रा लगाना है तो एच को प्रेस करेंगे। यदि आपको छोटा ऊ का मात्रा लगाना है तो क्यू को प्रेस करेंगे। यदि आपको बड़ा ऊ का मात्रा लगाना है तो डब्लू को प्रेस करेंगे। यदि आपको ए बनाना है तो एस का प्रेस करेंगे। अगर आपको ए लिखना है तो ए लिखने के लिए शिफ्ट प्लस एस का यूज करेंगे। अब आपको ओ बनाना है तो पहले आपको के प्रेस करना होगा और फिर उसके बाद एस प्रेस करना होगा। आपको ओ लिखना है, ओ लिखने के लिए क्या करेंगे, के प्लस शिफ्ट प्लस एस और अन लिखने के लिए ए का यूज करेंगे। और आपको अगर डबल कॉलन लगाना है तो शिफ्ट प्लस परसेंटेज का। Thanks for watching my video.